तहसीलदार कार्यालय ऊना में रजिस्टर की नकल लेने पहुंचे व्यक्ति द्वारा तहसीलदार पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि व्यक्ति ने तहसीलदार को गले से पकड़ते हुए न केवल गाली गलौज की बल्कि शर्ट के बटन भी तोड़ दिए। इस संदर्भ में तहसीलदार ने ऊना पुलिस को व्यक्ति के खिलाफ शिकायत भी की है। वहीं व्यक्ति ने भी तहसीलदार पर मारपीट का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर 3 बजे तहसीलदार ऊना विजय राय ऑफिस में कार्य कर रहे थे। इस काम के सिलसिले में भावुक प्राशर निवासी ऊना ऑफिस पहुंचे। काम में व्यस्त होने के कारण तहसीलदार ने भावुक को 1 घंटे बाद आने को कहा। करीब शाम 4:15 पर भावुक पुनः दोबारा कार्यालय पहुंचे और रजिस्टर की नकल उसी समय देने के लिए दबाव डालने लगा। बताया जा रहा है कि व्यक्ति द्वारा तहसीलदार ऊना पर हमला कर दिया, जिसमें तहसीलदार ऊना को हल्की चोटें भी आई हैं। राजस्व अधिकारी द्वारा पहनाई गई शर्ट भी इस दौरान फट गई है। वहीं इस दौरान तहसीलदार कार्यालय ऊना के अन्य कर्मी भी मौके पर आ पहुंचे। उधर भावुक प्राशर निवासी ऊना ने तहसीलदार द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नकल के लिए बुलाया गया था, मैं 2 बार गया लेकिन नकल देने में आनाकानी की जा रही थी, जिस पर मैं कार्यालय में बैठ गया। इस पर तहसीलदार आग बबूला हो गए और मुझे मारने लगे। इस संदर्भ में मैंने पुलिस को शिकायत दी है। डीएसपी हेडक्वार्टर अशोक वर्मा ने कहा कि मामले को लेकर शिकायत मिली है, जिस पर पुलिस कार्यवाही अमल में ला रही है। उन्होंने कहा कि तहसीलदार और भावुक का मेडिकल भी करवाया जा रहा है। आपके कार्यालय में क्या हुआ? मैं अपने ऑफिस में अपने काम में बिजी था, इतने में एक भावुक प्राशर व्यक्ति मेरे पास आया किसी काम से। कोई उसने अपनी नहीं, किसी और की वसी का जो रजिस्ट्री होती है उनकी कॉपियाँ लेनी थी, तो 10-15 एप्लीकेशन दे के आया था वो। तो मैंने उसको कहा कि एकदम नहीं होगा, आप तो इंतज़ार करिए, मैं देखता हूँ इसको। उतने में वो चला गया। उसके बाद 1 घंटे बाद दोबारा आके मुझे पूछने लगा कि मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उसको मैंने बताया कि ये जो वसीका हैं, जो रजिस्ट्री हमारी होती हैं, वो रिकॉर्ड रूम में चली जाती हैं। उसके बाद रिकॉर्ड रूम से ला के हम उसकी फ़ोटो कापियाँ कराते हैं, उसके बाद हम इशू करते हैं। तो लेने के लिए आया था उनके पास, पहले मैंने डॉक्टर्स को दिखाया अपनी हेल्थ के लिए, उसके बाद मैं उनके वसीका लेने के लिए गया। जब मैंने वसीके की कापियाँ उनको दी, उससे पहले ही वो मेरे पास मेरे से लड़ाई करने लगे और कहने लगे तुम यहाँ से खड़े हो जाओ और निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा मुझे वसीके पे आप दस्तखत करेंगे तो मुझे वसीके की कापियाँ मिलेंगी। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा, निकल जाओ यहाँ से। एनी हो, जब मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा 1 घंटे बाद आना। तो उन आरोप लगाया कि आपने उनकी कमीज फाड़ी और जी 1 घंटे बाद आना। मैं SDM साहब के पास गया, मैंने उनसे बताया कि ये ऐसे ऐसे एक 65 साल के आदमी के साथ ये व्यवहार। सूचना मिली थी कि तहसीलदार साहब के कार्यालय में एक व्यक्ति ने उनके साथ जो है हाथापाई की है। उस पर जो है पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने शिकायत पत्र ले लिया है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो तहसीलदार है उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। इसमें हम पुलिस केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन अमल में लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।